समाधिस्थ बाबा जी को इन सब की चिंता कैसे हो सकती थी। जैसे ही उन दोनों माताओं ने गुफा के भीतर कदम रखा, उन्होंने गुफा को सुगंधों से भरा हुआ पाया। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। सदा सुवासित बाबा जी। बाबा जी के शरीर से कभी कभार लैस गिर की सुगंध प्रस्फुटित हुआ करती थी, खास तौर पर जब वे मौज में हुआ करते थे। यह सुगंध ऐसी होती थी जिसकी तुलना किसी अन्य सुगंध से नहीं की जा सकती थी। एकदम अनुपम, एकदम अतुलनीय और एकदम मुग्धकारी। इस तरह की सुवास एक बार लखनऊ की श्रीमती शांता पांडे और उनके पति श्री ललित को प्रथम तो अपने घर में ही प्राप्त हो गई। जब बाबा जी भोर में 4 बजे उनके घर से विदा हो रहे थे और यह दंपत्ति उनका हाथ पकड़े सीढ़ियाँ उतर रहे थे, ऐसी ही अनुभूति इस दंपत्ति को तब हुई जब वे केदार यात्रा के दौरान हनुमान चट्टी में थे। एक निर्जन से साधारण मंदिर में भी हुई, जहाँ ना दिया जल रहा था और ना धूप बत्ती। यह अलौकिक सुवास केदारनाथ यात्रा के दौरान काफ़ी दूर तक उनका पीछा करती रही। उस नैसगिर्क शांत वातावरण के मध्य शांता जी के मन में विचार आया कि काश बाबा जी के दर्शन मिल जाते। यह विचार आते ही सबसे पहले उन्हें बाबा जी ने अपूर्व सुगंध का एहसास कराया। फिर पास ही स्थित एक गुफा के द्वार पर श्वेत वस्त्रों में लिपटे एक बड़े लंबे तगड़े साधु के वेश में अचानक प्रकट होकर दर्शन दिया। पहले शांता जी और उनके साथ के यात्री उस गुफा में झाँक कर देख चुके थे कि यहाँ कोई नहीं था। महाराज जी का सिर्फ दर्शन कर पाए थे, बात करना चाहते थे, तभी बाबा जी अंतर्ध्यान हो गए। एक बार शांता जी ने महाराज जी से कोई चमत्कार दिखाने का हट किया। बाबा जी ने अपने अंगूठे से अपनी हथेली रगड़ी और वही अलौकिक आनंददायक सुगंध चारों ओर फैल गई और वह उसमें डूब गई। दादा के घर भी बाबा जी ने ऐसी ही सुगंध बिखेरी थी जिससे घर का कोना कोना तो गमक ही उठा था। बाहर राह चलते लोग भी उसे महसूस करने लगे थे। इसी तरह की एक घटना 1964 में श्री माँ और जीवंती माँ के साथ बद्रीनाथ में घटी थी। महाराज जी इन लोगों को धर्मशाला में छोड़कर कहीं चले गए थे। जब काफ़ी देर तक नहीं लौटे तो ये लोग उन्हें खोजने चल पड़ी। माताएं महाराज जी को गुफाओं तथा कंदारों में खोजते खोजते जब एक मकरानुमा बड़ी गुफा में गई तो वहाँ एक कोने में ध्यानस्थ बाबा जी आसन जमाए बैठे थे। वह स्थान अत्यंत निष्कृष्ट था। चारों ओर खच्चरों एवं भेड़ बकरियों की निष्ठा फैली थी। जानवरों के मल मूत्र से जमीन गीली थी, लेकिन समाधिस्थ बाबा जी को इन सब की चिंता कैसे हो सकती थी। जैसे ही उन दोनों माताओं ने गुफा के भीतर कदम रखा, उन्होंने गुफा को सुगंधों से भरा हुआ पाया। इस नैसगिर्ख सुवास से दोनों ही आश्चर्यचकित रह गईं। ऐसी ही अलौकिक सुगंध महाराज जी के शरीर से, उनके कंबल से, उनके वस्त्रों से और उनके बिस्तर से भी उठती रहती थी। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करूरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करूरी बाबा जी महाराज की जय। बोलो।